सीरीज है मेरे को देखना, वो खतरनाक है मतलब वो सीरीज। जब से हम लोग अंडमान में आए तब से लेके अभी तक एक दिन भी चिकन स्टू नहीं खाया। बेसिकली आप लोगों को पता है जब से मैं अंडमान में हूँ मतलब एक साल हो गया, एक साल में सबसे ज़्यादा मैं कुछ खाया ना खाया रात को चिकन स्टू सबसे ज़्यादा खाया, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ये हज़म करने में भी अच्छा होता है और रात को सबसे अच्छा डाइजेस्ट होता है। एक्चुअली सूरज डूबने के बाद आपको उतना टाइट और उतना हार्ड मील लेना ही नहीं चाहिए, जितना सॉफ्ट जितना नहीं खाओगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि क्या होता है वो हज़म करने में भी प्रॉब्लम हो जाता है और अगर खाओगे भी तो 3 घंटा सो नहीं सकते खाने के बाद, उसके बाद सोने को जाना है। सो ये अगर मेंटेन नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, इनडाइजेशन से आप भुगतोगे ऐसा हालत बन जाएगा। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल पोंग बाइसेप्स। ब्लॉग स्टार्टिंग किया थोड़ा ज्ञान देके, थोड़ा सा इग्नोर करो, लेकिन जो सच बात है मैं रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस करता हूँ मैं उसको ही बोलता हूँ, क्योंकि पहले मैं ऐसा था कि मतलब 8-10 परोठा रोटी मेरा तो मतलब बाएं हाथ का खेलता है, ऐसा मैं खाता था। लेकिन जब से मेरे को गैस्ट्रिक वगैरह ये सब कुछ पकड़ा, फिर मेरे को समझ में आया मेरा करीबन गैस्ट्रिक से एक्चुअली जो वेट मेंटेन करते हैं जो लोग, सच बात बोलने से सबसे ज़्यादा लोगों का खाना खाने से ज़्यादा गैस में वेट बढ़ जाता है। एक्चुअली गैस जब आपका बॉडी में आएगा तो आप फूलने लगोगे, और एक बार फूलना शुरू कर दिया तो भाई तो ख़त्म बात। सो इसीलिए मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसलिए अभी मैं मेंटेन करता हूँ, अभी मेरा बॉडी वेट जो भी देखता है वही बोलता है कैसे घटाया तुम भाई वेट। मैं बोला भाई मेंटेन किया मैंने सिर्फ और कुछ नहीं, अच्छे से मेंटेन किया, खाना खाया, 4 घंटे का गैप दिया, ये सब कुछ मेंटेन करके मैं हेल्थ को इतना अच्छा रखा। और आप लोगों को भी ये सजेस्ट करता हूँ कि आप भी ऐसे तरीके से ही चलो ताकि आपका हेल्थ अच्छा रहे। शुरू करने के टाइम मैं बोला था कि चिकन स्टू खाना है, इसलिए मैं बाहर से चिकन खरीद के लाया आज, अभी धोना बाकी और सब्ज़ी वगैरह काटना बाकी, और पीयू वहाँ पे काम पे बैठा है एक्चुअली, उसको भी मैं बोला भाई थोड़ा काम पे बैठ जाओ, थोड़ा मेरा भी हाथों हाथ हेल्प कर दो, तो वो भी बैठ गया, अभी हाथों हाथ हेल्प भी हो जाएगा, मैं घर का खाना बना लूँगा, वो थोड़ा हम लोगों का बिजनेस का थोड़ा बहुत संभाल लेगा। अभी आप लोग सोचोगे कि मैं इतना लेट से आज व्लॉग क्यों शुरू किया, रात को क्यों शुरू किया, मैं तो सुबह सुबह शुरू करता था या तो इवनिंग में शुरू करता था, लेकिन आज रात को क्यों शुरू किया, क्योंकि आज सुबह मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता था। ब्रेक मतलब वैसा कुछ ब्रेक नहीं, मतलब मेरे को कुछ एडिट का, फिर ये फ़ोटो का, फिर फ़ोटो बोल रहा हूँ DSLR का कुछ सेटिंग्स वगैरह मेरे को अलग से सीखना था, इसलिए मैं वो टाइम उसमें दिया। थोड़ा सा मेरे को सीखना है क्योंकि थोड़ा सा मेरे को इम्प्रूव भी करना है अभी वीडियो क्वालिटी को, सो इसलिए मैं वो सब कुछ सीखा और वीडियो मैंने स्टार्ट किया थोड़ा लेट से। है आपका गाजर, फिर इसके बाद यहाँ पर कैप्सिकम, यहाँ पर आपका इसको क्या बोलते हैं, मैं भी भूल गया इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, मैं इसका नाम मेरे को पता था हिंदी वर्शन और इंग्लिश वर्शन भी पता था, बीन्स हाँ याद दिलाया अभी, बीन्स इसको बोलते हैं। सो बीन्स भी काट लिया और चिकन भी मैंने यहाँ पे धो के रख दिया है देखो चिकन। सो अभी पानी यहाँ पे गर्म हो रहा है, जैसे ही गर्म होगा पहले सब्ज़ी डालूंगा, सब्ज़ी डालने के बाद थोड़ा सा नमक, इसके बाद ये चिकन को डाल दूंगा, एंड आखिरी में जब इसको उठाऊंगा तभी इसमें थोड़ा सा अंडा मैं फाट के इसमें डाल दूंगा, उसमें क्या होता है हाँ दुपीस कोरी हाँ, सो अंडा सा फाट के उसमें डाल दूंगा, उसमें क्या होता है एक फ्लेवर आता है और एक टेस्ट भी अच्छा निकलता है। सो एक्चुअली एक्सट्रीम फाइबर मैंने लिया, और एक्सट्रीम फाइबर में जैसे कि मैं बोल रहा था उसमें OTT प्लेटफॉर्म 12 OTT प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। सो उसमें से अभी मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे धूम देख रहा हूँ बेसिकली Amazon प्राइम में। सो प्राइम मेंबरशिप मेरे को मिल गया है 1 साल का, सबसे ज़्यादा मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि इसमें फास्ट एंड फ्यूरियस का सभी सीरीज़ है, उसके साथ साथ धूम का सभी सीरीज़ है, एंड इसमें शमशेरा वगैरह ये सब कुछ है, मतलब नया नया मूवी अभी ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि अमेजन प्राइम में ही रिलीज़ हो रहा है। सो मतलब ये तो एकदम ख़तरनाक, और सबसे अच्छा मेरे को जो लगा कि इसमें फैमिली मैन भी है, जो मनोज वाजपेयी जी का है दी फैमिली मैन करके, वो खतरनाक, मतलब उसका छोटा छोटा मैंने क्लिप देखा है, आज मैं उसको शुरू करूँगा आज से देखना उसका, और उसका जितना भी सीरीज़ है मेरे को देखना है, वो खतरनाक है मतलब वो सीरीज़।
टाइम जो है वो है ब्रेकफास्ट बोल रहा हूँ, टिफिन करने का ब्रेकफास्ट बोल रहा हूँ। सो टिफिन में हो रहा है क्यूकम्बर विथ ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट सबसे अच्छा है, अगर ब्लैक सॉल्ट आप ले सकते हो, डेली कंज्यूम कर सकते हो, नॉर्मल ये वाला नमक छोड़ के, सफ़ेद वाला नमक छोड़ के अगर ब्लैक सॉल्ट डेली खाने में आप यूज़ कर सकते हो, सबसे अच्छा आपका सेहत के लिए। मेरा पीछे सिर्फ लाइट का हालत देख लो कैसा हो रहा है, एक बार जल रहा है पूरा अप करके, एक बार ऑफ हो रहा है, एक बार जल रहा है एक बार ऑफ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मतलब हल्का डीप ऐसा कंटिन्यू हो रहा है, मतलब इसका वोल्टेज बहुत जल्दी ड्रॉप होने वाला है, मतलब लोड शेडिंग होने वाला है। सो अभी मैं पहले देख लेता हूँ ये हो गया है कि नहीं, क्योंकि मेरे को ज़रूरी है ये वाला, ये अगर हो जाएगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक से चल रहा है, अगर बत्ती गुल हो गया फिर भी अगर ये चल गया, ये हो गया है, मतलब मेरा भाई काम खत्म, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मेरे लैपटॉप का जितना काम है, लैपटॉप पे तो बैटरी है, कोई टेंशन नहीं, उसका जितना चार्ज है वो काम हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं फैमिली मैन देखना शुरू किया, अभी पूरा एपिसोड देखना है मेरे को, सिर्फ सीजन वन मैंने चालू किया, मतलब सीजन वन बोल रहा हूँ, एपिसोड नंबर वन बोला है, तो वो वाला मैं अभी देखना शुरू किया, वो अभी देख रहा हूँ मैं पहले, और अभी ये वाला भी ऑलमोस्ट हो चुका है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लग रहा है ये होने में 5-10 मिनट लगे, उसके बाद इसको ऑफ कर दूँ। हो गया काम, देखो कितना जल्दी काम ख़त्म कर दिया, अच्छा है भाई, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना, मतलब काम सीख गया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भी अच्छा हुआ, जितना काम सीख जाएगा मैं भी अपना ऊपर से थोड़ा काम का बोझ उसके ऊपर डालूंगा, वो भी जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर देगा, फिर मेरा भी थोड़ा हेल्पिंग हैंड होगा, क्योंकि अभी सीज़न शुरू हो रहा है, काम का प्रेशर बढ़ जाएगा, मैं बाहर रात पर 9-10 बजे तक मैं गेस्ट मीट करता रहूँगा, फिर घर आना, फिर खुद लोगों का और मतलब बिज़नेस का काम थोड़ा बहुत संभालना, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए क्या करूँगा, अभी से वो देख लेगा थोड़ा बहुत काम, मैं भी देख लूँगा थोड़ा बहुत काम, उसमें क्या होगा, काम डिवाइड हो जाएगा, किसी को हेडेक प्रेशर कुछ नहीं रहेगा। सो टाइम 9 बज रहा है अभी, और मैं एक गलती कर दिया, सबसे बड़ा गलती, जो वीडियो एडिट करके रख के भी मैं उसको डाला नहीं, मैं सोचा अभी डाल दूँगा, फिर शाम को मेरे को लगा मैं डाल दिया और उसको मैं ये में रख दिया है, शेड्यूल पे रख दिया है, क्योंकि अभी मैं वैसा ही कर रहा हूँ कि सुबह डाल देता हूँ, क्योंकि रात भर एडिट कर लेता हूँ, फिर अगला दिन सुबह मतलब अगला दिन शाम के लिए उसको शेड्यूल कर देता हूँ, तो मैं शाम को, आज शाम को मेरे को वैसा ही लगा कि मैं शेड्यूल करके रखा, फिर अभी मेरे को याद आ रहा है, अरे भाई मैं तो आज शेड्यूल करना ही भूल गया, मतलब मैं वीडियो अपलोड ही नहीं किया, और मैं सोचता रहा वीडियो अपलोड कर दिया, अभी ये देखो वीडियो यहाँ से मैं अपलोड कर रहा है अभी, तो आज थोड़ा लेट हो गया सब कुछ, और ये वाला वीडियो, आज वाला वीडियो कल आ जाएगा, कल से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरा आग देखो कैसा हो रहा है, नहीं लगता है ये वाला वीडियो मैं कल दे पाऊंगा कि नहीं, मेरे को अभी तक पता नहीं है, क्योंकि मेरे को नींद आ रहा है तगड़ा, आज मैंने मतलब ख़तरनाक नींद मारा है। सो इतना देर तक बैठ के मैं तो ना वेब सीरीज़ देख पाया ना कुछ, आग देखो पूरा छोटा हो गया, एकदम नींद आ रहा है तगड़ा वाला, अभी सिर्फ डिनर करना है और सो जाना है, मेरे से नहीं होगा, आज एडिट तो मैं नहीं कर पाऊँगा, और कल सुबह मेरे को एडिट करना है, और सुबह शायद से नहीं हो पाएगा, दोपहर को ही हो पाएगा, दोपहर को कुछ काम नहीं, अरे कैसा हो गया, मतलब नींद आ रहा है, सुबह जल्दी उठ गया, बहुत जल्दी मैंने उठ गया सुबह, इसलिए नींद आ रहा है बहुत तगड़ा, अभी खाना खा के सो जाना है। सो ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया, मेरे को पता है कि ब्लॉग मैंने बहुत छोटा बनाया एक्चुअली, सो कल का ब्लॉग अलग रहेगा, आज का ब्लॉग मैंने बहुत छोटा बनाया, शाम को शुरू किया और अभी ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए बहुत बहुत सॉरी, लेकिन अभी क्या कर सकता हूँ, थोड़ा टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा ब्लॉग का इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैं वीडियो वगैरह देख रहा था, सब कुछ मैं चेक कर रहा था, इसीलिए मैं कर नहीं पाया। सो आज के लिए सॉरी, आज के लिए छोटा ब्लॉग है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, कल से जैसा नॉर्मल ब्लॉग आता है वैसा ही ब्लॉग आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो अभी तक ब्लॉग देखने के लिए, अगर इतना छोटा ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, एंड ऑब्वियसली ब्लॉग देख रहे हो तो सामने एक लाल कलर का बटन है जिसको सब्सक्राइब बटन कहते हैं, उसको दबा दो, एंड तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग पे।